नमस्कार, स्वागत है आपका इस कोर्स में जो कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स इन हिंदी में है। मेरा नाम जयंत कुमार सिंह है, मैं एक प्रोफेसर हूँ केमिकल इंजीनियरिंग एट IIT कानपुर में। इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है जो हर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आपको दिखेगा, वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है? एक साइंस है जो कि एनर्जी और इसके ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म के बारे में है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे हम यूज़ करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन को, इसके बारे में हम लोग इस कोर्स में चर्चा करेंगे। ख़ास तौर पे एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल होता है कि नहीं होता है, उसकी फिजिबिलिटी कैसे हम लोग जज करें, और ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये आपका मेन है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर कोर्स थर्मोडायनामिक्स जो है वो हर जगह यूज़ होता है, बिकॉज़ ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिबिलिटी है और इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये हर इंजीनियरिंग डिवाइसेस में, हर इंजीनियरिंग प्रोसेस में इसकी वैल्यू रहती है। इसलिए इसका जो मेन फोकस है वो ये रहेगा कि हम कैसे डिफरेंट टूल्स को, जो ज़रूरत है होगी या आवश्यकता होगी हर डिफरेंट काइंड ऑफ जो एनर्जी सिस्टम्स है उसको एनालाइज करने के लिए, चाहे वो आप डेली लाइफ से लें, आमतौर के ज़िंदगी से लें, या एक इंजीनियरिंग स्केल, जो लार्ज स्केल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है जैसे पावर प्लांट है, उस टाइप के प्लांट्स हैं, उसको हम ले और उस पर एनालाइज करें, उस सिस्टम को एनालाइज करें। उस सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जो भी हमें टूल्स चाहिए, उसकी आवश्यकता होगी, उसको हम समझेंगे, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस कोर्स में, और सिस्टमेटिकली स्लोली हम लोग बिल्डअप करेंगे जिससे कि हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें और समझ सकें कि कैसे उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आप और इफ़िशेंट कर सकते हैं। तो आमतौर पर ये कोर्स जो है बहुत ही फंडामेंटल बेसिक है, मतलब ये कि बेस बनेगा आपको बड़े, और इसके ऊपर और गंभीरता से और डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं, बट ये आपको बेस समझाता है कि किस तरह से आप एनर्जी एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करेंगे, किस तरह से ये दो लॉज है इसके बेसिस पे आप आगे के जो एनालिसिस है, जितने भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं उसके बारे में आप समझ सकें और ये कर सकें। कुछ प्रश्न जो हैं जो आमतौर पर आप करते होंगे, लेकिन इस कोर्स में ये सब प्रश्न बहुत ही कॉमन होगा, और इसी वजह से आपकी जो समझने की क्षमता जो है थर्मोडायनामिक्स और उसके एप्लीकेशन में वो बढ़ेगी। वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि कितना वर्क चाहिए आपको किसी भी गैस को कंप्रेस करने के लिए, या किसी भी टेम्परेचर प्रेशर में कोई क्या लिक्विड वेपराइज करेगी कि नहीं करेगी, या कोई भी एक प्रोसेस आपको अगर दिया गया है वो फिजिबल है कि नहीं, ये होगा कि ये नहीं होगा, या अगर करने के लिए आपको क्या एडिशनल करना पड़ेगा जिससे कि प्रोसेस को फिजिबल कर सके, कैसे कोई इंजीनियरिंग डिवाइस है, कोई भी दिया हुआ, जैसे आपका हीट इंजन हो गया, या आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, या आपका पंप हो गया, या आपका कार का इंजन हुआ, उसकी इफिशेंसी या परफॉर्मेंस को आप कैसे एग्जामिन करेंगे, कैसे आप उसको निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कितना एनर्जी आपको चाहिए किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। अगर एक ये सब प्रश्न जो है आमतौर पर इस क्वेश्चन में आप समझेंगे, और इसके बेसिस पे हम पावर जनरेशन और रेफ्रिजरेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कितना, जैसे कि कितना हीट चाहिए हमें किसी भी पावर प्लांट को और IC इंजन को चलाने के लिए और इफ़िशियंट बनाने के लिए, या उसकी इफ़िशियंसी निकालने के बाद कैसे इसको हम इम्प्रूव करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोर्स कंटेंट अच्छा लगा हो। तो जो छात्र केमिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस या एनर्जी सिस्टम से जुड़े हैं, वो उनके लिए तो ये कोर्स बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े और इस कोर्स को एंजॉय करें और इस जर्नी को एंजॉय करें। धन्यवाद।